हिंदुस्तान की वो शख्सियत जिसे विदेशों में भी लोहा माना, स्वच्छता जिनका ईमान, ईमानदार छवि के धनी, 100 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से यहाँ हो रहा है। देखिए कितने कार्यकर्ताओं की ओर से, पदाधिकारी की ओर से, धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और दूसरे वाले खेला करते। श्रीमती गोमता देवी बाहर से हैं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। श्रीमती माया देवी लाभार्थी हैं सामुदायिक निवेश निधि राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। श्रीमती गुड़िया तिवारी आगरा दक्षिणी से विधायक है, श्रीमान योगेंद्र उपाध्याय जी। श्रीमती कुसुम प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की लाभार्थी। श्रीमती अनीता प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी की लाभार्थी आगरा उत्तर से हैं, आगरा उत्तर से योगेंद्र उपाध्याय जी को, जो कि विधायक दल के उप सचेतक भी हैं, आए और माननीय मुख्यमंत्री जी एवं सभी अतिथियों का स्वागत उद्बोधन। अब तक तो वहाँ भोगी आए थे, पहली बार पांच कालिदास मार्ग ने योगी को दी। ऐसे महान योगी के लिए जिसका आदर्श वाक्य हो एकदम, आज प्रातः काल से ही हम लोग आगरा में जगह जगह जाकर के आगरा की विरासत और आगरा को विश्व मानचित्र पर एक बार पुनः पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणीय स्थान दिलाने के क्रम में आपके बीच आए हैं। मैं आज के इस अवसर पर लगभग आगरा के लिए हम लोगों के द्वारा काफी योजनाओं का यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास किया जा रहा है। लगभग 235 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए आप सबको हृदय से बधाई देता हूँ और आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं भी व्यक्त करता हूँ। भाइयों बहनों, आज छठ का पर्व है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में वहां पर बड़ी संख्या में लोग भगवान सूर्य की उपासना के इस पर्व को मनाने के लिए जगह जगह एकत्र हुए होंगे, बड़े हर्षोल्लास के साथ इस कार्यक्रम को मना रहे होंगे। मैं छठ के इस पर्व पर, जो भगवान सूर्य की उपासना का पर्व है और सामाजिक एकता का पर्व भी है, इस पर्व पर भी आप सभी लोगों को हृदय से बधाई देता हूं, आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं भी देता हूं। आगरा आने पे बहुत सारे लोग आपत्ति कर रहे थे कि आखिर आगरा क्यों जा रहे हैं। आगरा आने पर आपत्ति उन्हीं लोगों की है जिन लोगों ने समाज को जातीय खेमों में बांट करके रख दिया था। उत्तर प्रदेश की राजनीति को जातिवाद, परिवारवाद और भ्रष्टाचार के चंगुल में फंसा करके, यहाँ के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके उत्तर प्रदेश को विकास से वंचित किया था वे लोग, आज जब मेरा आगरा का कार्यक्रम बन रहा था तो उनके द्वारा तमाम प्रकार की टिप्पणियां की जा रही थी। मुझे अफसोस होता है उनकी बुद्धि पर और उनके विवेक पर कि उन लोगों ने अपने समय में विकास का कार्य कराया नहीं। लेकिन आज अगर आगरा को अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के मानचित्र पर स्थापित करने के लिए हमारा पर्यटन मंत्रालय कार्य कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से उनकी पीड़ा को मैं समझ सकता हूं, क्योंकि जो कार्य उनको पहले कर देना चाहिए था, जब उस कार्य को ये लोग करने में पूरी तरह विफल रहे हैं, तो आज हम सब आप सभी लोगों की भावनाओं का सम्मान करते हुए आगरा की योजनाओं का शुभारंभ करने और आने वाली योजनाओं का निरीक्षण करने के लिए आगरा में आए हैं और इन कार्यक्रमों के साथ आप सबको जोड़ने का कार्य यहाँ पर किया जा रहा है।